अब हम पढ़ते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसकी पहचान क्या होती है? इसके अंदर हिंदी के वाक्यों के अंत में आता है से रहा था, से रही थी या से रहे थे आदि। साथ में इसमें समय दे रखा होता है, बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के अंदर किया था, बिल्कुल वैसे ही है, वहाँ पर सिर्फ है था। अब इसका जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस के अंदर स्ट्रक्चर बनाएंगे हम, वो कैसे बनाएंगे? सब्जेक्ट प्लस हैड, वहाँ पर हैज या हैव होता था, यहाँ पर हैड लग जाएगा। सब्जेक्ट प्लस हैड बीन, बीन साथ में इसमें ऐड होगा, प्लस वी फर्स्ट प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम। सिंस का प्रयोग कहाँ करते हैं? आपने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस जब पढ़ा था तो उसके अंदर सेम एज इट इज़ ऐसे ही आए थे। सिंस का प्रयोग करते हैं निश्चित समय को दिखाने के लिए, यानी कि पॉइंट ऑफ टाइम को दिखाने के लिए, जहाँ पर समय का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो हमें क्लियर कट बताया गया होता है कि कोई जो काम है वो कब शुरू हो रहा है, उसका स्टार्टिंग पॉइंट हमें बताया गया होता है, तो वहाँ पर हम सिंस लगाते हैं। और फोर का प्रयोग करते हैं पीरियड ऑफ टाइम को दिखाने के लिए, समय की एक अवधि को दिखाने के लिए कि कोई जो समय है उसका पीरियड क्या है, उसकी अवधि क्या है, उसका स्टार्टिंग पॉइंट हमें नहीं बताया जाता, सिर्फ उसका एक टाइम पीरियड बताया जाता है, तो वहाँ पर हम फोर लगाएंगे। और अगर नेगेटिव सेंटेंस होगा, नेगेटिव सेंटेंस में क्या कर देंगे, हैड नॉट बीन हो जाएगा, सिर्फ इतना छोटा सा ही चेंज होगा, हैड नॉट बीन हो जाएगा, यहाँ पर नॉट लग जाएगा अगर नेगेटिव सेंटेंस होगा तो। और अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस हुआ तो उसके अंदर क्या करेंगे, सबसे पहले तो डब्ल्यू एच क्वेश्चन वर्ड लगा देंगे अगर होगा तो, उसके बाद हैड लगा देंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट अगर होगा तो, उसके बाद बीन, उसके बाद वी फर्स्ट प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर और प्लस टाइम, जो भी हमें दिया गया होगा, और क्वेश्चन मार्क लग जाएगा क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो इस तरह से इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इनका स्ट्रक्चर फॉर्मुलेट किया जाएगा। आपने सिर्फ इतना ध्यान में रखना है कि सब्जेक्ट से इस तरफ हेल्पिंग वर्ब आएगी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, सब्जेक्ट के तुरंत बाद नोट आएगा, और बीन जो है वो उसके भी बाद चला जाएगा, यानी हेड और बीन जो है ये अलग अलग हो जाएंगे, सब्जेक्ट इनको जुदा जुदा कर देगा, अलग अलग कर देगा, और सब्जेक्ट के तुरंत बाद भी बीन नहीं आएगा, उससे पहले अगर वाक्य में नोट है तो पहले नोट आएगा उसके बाद बीन आएगा, इतना आपको ध्यान में रखना है। बाकी बहुत ही सिंपल सेंटेंसेस हैं इनके, जैसे एग्जाम्पल देखते हैं। माली 2 घंटों से पौधों को पानी दे रहा था, माली 2 घंटों से पौधों को पानी दे रहा था, तो इसका क्या बन जाएगा, द गार्डनर, द गार्डनर। अब 2 घंटों से साथ में बताया हुआ है, समय दिया हुआ है, तब ऐसे केस में हम यहाँ पर वोज या वर नहीं लगा सकते। अगर ये ना होता तब तो हम ऐसा कर सकते थे कि द गार्डनर वॉज वॉटरिंग द प्लांट्स, लेकिन यहाँ पर समय भी साथ में दिया हुआ है तो से आने की वजह से यहाँ पर समय के लिए आ गया, और से रहा था आया हुआ है, से रहा था, इसलिए प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। तो ऐसे केस में हम हैड बीन लगाएंगे, द गार्डनर हैड बीन, वॉज या वर नहीं लगाएंगे बल्कि हैड बीन लगाएंगे, द गार्डनर हैड बीन वॉटरिंग वॉटरिंग द प्लांट्स। अब 2 घंटों से सिर्फ समय की अवधि बताई है, सिर्फ समय की अवधि बताई है, 2 घंटों से, स्टार्टिंग पॉइंट नहीं बताया। ये 2 घंटे कोई भी हो सकते हैं, 12 से 2 भी हो सकते हैं, 2 से 4 भी हो सकते हैं, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10 कोई भी हो सकते हैं, हमें वो नहीं पता, सिर्फ उसका टाइम पीरियड पता है। तो इस वजह से हम यहाँ पर क्या लगा देंगे, 4, 2 आवर्स। माली 2 घंटों से पौधों को पानी दे रहा था, माली 2 घंटों से पौधों को पानी नहीं दे रहा था, होता तो क्या कर देते,
द गार्डनर हैड नॉट बीन वॉटरिंग द प्लांट्स फॉर 2 आवर्स. मान ली अगर ये ऐसे होता कि 2 बजे से पौधों को पानी दे रहा था, तब हम क्या कर देंगे, द गार्डनर हैड बीन वॉटरिंग द प्लांट्स. अब यहाँ पर फोर की जगह क्या हो जाएगा, सिंस, सिंस 2 o'clock. क्यों ऐसा क्यों किया, क्योंकि 2 बजे से उसका हमने स्टार्टिंग पॉइंट बता दिया कि वो काम शुरू कब हुआ था, 2 बजे से शुरू हुआ और अभी भी चल रहा है. तो इस वजह से वहाँ पर सिंस आ जाएगा, क्योंकि ये पॉइंट ऑफ टाइम को इंडिकेट करता है और जो फोर होता है ये पीरियड ऑफ टाइम को, समय की अवधि को, ड्यूरेशन को इंडिकेट करता है. तो इस तरह से इन सेंटेंसेस को फॉर्मुलेट करेंगे. अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता कि क्या माली 2 घंटों से पौधों को पानी दे रहा था, यहाँ पर शुरू में क्या लग गया और इंट्रोगेटिव ये सेंटेंस बन गया, तब हम क्या कर देंगे, हैड द गार्डनर बीन वॉटरिंग द प्लांट्स फॉर 2 आवर्स. और अगर नेगेटिव होता इंट्रोगेटिव के साथ में कि क्या माली 2 घंटों से पौधों को पानी नहीं दे रहा था, तो क्या कर देंगे, हेड द गार्डनर, यहाँ पर नोट आ जाएगा, हेड द गार्डनर नॉट बीन वॉटरिंग द प्लांट्स फॉर 2 आवर्स. और अगर ऐसे होता कि क्या माली 2 घंटों से या 2 बजे से पौधों को पानी नहीं दे रहा था, तो क्या कर देंगे, हेड द गार्डनर नॉट बीन वॉटरिंग द प्लांट्स सिंस 2 o'clock. सिंस 2 o'clock, कि क्या माली 2 बजे से पौधों को पानी नहीं दे रहा था. अगर ऐसे होता कि क्या माली सुबह से पौधों को पानी दे रहा था, तो हैड द गार्डनर बीन वॉटरिंग द प्लांट्स सिंस मॉर्निंग, सुबह से, जैसे ही सूर्योदय हुआ, सुबह हो गई, तो उसको भी पॉइंट ऑफ टाइम कंसीडर किया जाता है, तो वहाँ पर क्या लग जाएगा, सिंस मॉर्निंग. तो इस तरह से इन सेंटेंसेस को फॉर्मुलेट करना बहुत ही आसान है. अगर WH क्वेश्चन वर्ड भी हो, तब क्या कर देंगे, जैसे माली सुबह से क्या कर रहा था, माली सुबह से क्या कर रहा था, तो क्या कर देंगे यहाँ पर, क्योंकि क्या बीच में आए हुए हैं, तो ये WH क्वेश्चन वर्ड है, तो ये सबसे पहले ले लेंगे. तो व्हाट, व्हाट हैड, हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी, व्हाट हैड द गार्डनर बीन डूइंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से, तो सिंस मॉर्निंग ये भी लग जाएगा, तो व्हाट हैड द गार्डनर बीन डूइंग सिंस मॉर्निंग. और अगर इसमें नोट भी होता कि माली सुबह से क्या नहीं कर रहा था, तो नोट कहाँ लग जाएगा, व्हाट हैड द गार्डनर नॉट बीन डूइंग, यहाँ पर नोट लग जाएगा. माली सुबह से पौधों को पानी क्यों नहीं दे रहा था होता, तो क्या कर देंगे, तो यहाँ पर वाई लग जाएगा, वाई हैड द गार्डनर नॉट बीन वॉटरिंग द प्लांट्स फॉर 2 आवर्स और सिंस मॉर्निंग और सिंस 2 o'clock. जो भी है, जैसी भी सिचुएशन है, उसके अकॉर्डिंगली हम सिंस या फोर तो लगाएंगे ही, और नोट है तो लगा देंगे, नहीं है तो नहीं लगाएंगे, सब्जेक्ट के तुरंत बाद. और WH क्वेश्चन वर्ड क्यों आ गया था इसके अंदर, तो इस वजह से यहाँ पर वाई जो है वो सबसे शुरू में हमने ले लिया, और हेड जो था उसका एच छोटा कर दिया, स्मॉल कर दिया, तो वाई हैड द गार्डनर ऐसे हो जाएगा. तो इस तरह से आपने देखा कि जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, उसके सेंटेंसेस को फॉर्मुलेट करना बहुत ही आसान है. जैसे आपने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में पढ़ा था, बिल्कुल वैसे ही है, सिर्फ इतना ही फर्क है कि वहाँ पर हैज़ या हैव आया था, यहाँ पर उसकी जगह पर हैड आ गया. ये तो और भी ज़्यादा आसान हो गया, क्योंकि वहाँ पर तो हमें ये भी देखना पड़ता था कि हैज कब लगाएं और हैव कब लगाएं. यहाँ पर तो चाहे कुछ भी आए, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, हमारा सब्जेक्ट हमेशा हैड ही आएगा, इस वजह से ये उससे भी ज़्यादा ईजी है.